जनमत की पुकार न्यूज और मैं मौजूद हूँ केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के क्षेत्र में, जहाँ पे पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं खाली डब्बा वगैरह लेकर के। वीडियो बना के भेजो केजरीवाल के पास, कितना कीड़ा रेंग रहे बाहर, फुल भरा हुआ भी, आप जाके देखो ये वीडियो बना के भेजो केजरीवाल के पास, कीड़ा रेंगता कितना बीमारी आ रही है झुग्गियों में, खाली झुग्गियों से वोट को उम्मीद रखते हैं, बाकी कोई चीज करते नहीं है केजरीवाल, बस खाली नाम के लिए है केजरीवाल हम लोग के। पानी को लेकर आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, केजरीवाल तो करेंगे हर घर में फ्री पानी पहुंचा रहे हैं। फ्री पानी तो पहुंच रहा है, जैसा कि आपने लोगों से बात भी करी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि बात ये नहीं है कि पीने के पानी की शर्त पर दिया क्या जा रहा है, गंदगी और कीड़े भरा पानी, और उसके बाद जवाब में स्थानीय निवासियों को यह कहा जाता है कि पीने का पानी सिर्फ यही है, आप लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो कहीं और चले जाइए, हमारी शिकायत कीजिए। तो इस तरह की धांधलेबाजी कब तक चलेगी? हर व्यक्ति का जीने के लिए मौलिक अधिकार सबसे पहला पानी जरूरत है, हर आदमी को जरूरत है पानी की, और अगर हमारी बुनियादी सुविधाएं देने में दिल्ली की सरकार नाकाम रही है तो आगे दिल्ली का भगवान ही मालिक है। से कम नहीं तो 3000 फैमिली रहती है, उनके बीच में सिर्फ 3 से 4 टैंकर भिजवाया जाता है पानी का, जो पूरी तरीके से पूरा नहीं पड़ पाता है यहाँ पर, और लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। दिल्ली सरकार के केजरीवाल तो ये बोलते हैं कि हमारी झुग्गियों बस्तियों में हमारे भाई बंधु है, हमारे साथी संगी है, पर वो एक अपने मंजिल पर बैठकर वो झुग्गी की स्थिति को नहीं जान पा रहे हैं कि लोग किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से महामारी पानी की पड़ रही है झुग्गियों में, बच्चे नहाते नहीं है 2-2 दिन तक, औरतें खाना बनाने के लिए पानी 3-3 किलोमीटर से लेकर आती है, टैंकर का पानी भी पिए अगर हम लोग तो कैसे पिए, टैंकर के पानी में कीड़े निकलते हैं और टैंकर की सफाई भी नहीं होती, जब हम उनके ड्राइवर को या किसी को बोलते हैं तो वो हम पे भड़कते हैं कि आप आगे जाके शिकायत करो, ये ऐसा ही पानी आएगा, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। इसी तरीके से 400-500 के बीच में एक नलका दिया, एक नलका देने के बावजूद भी वो नलका कई दिनों तक खराब रहता है, और रहने के बावजूद लोग फिर भी आतंक मचा रखा है कि मतलब पानी नहीं है, हमें लाना पड़ता है बहुत दूर दूर से जाकर, लेकिन वो सिर्फ इतना दिखाते हैं कि जी हमने नलका लगा दिया है, देखो झुग्गी बस्तियों के लिए आप आइए और पानी अपना लीजिए पीजिए, लेकिन वो दोबारा देखने नहीं आते कि किस तरीके से पानी का क्या यहाँ पे किल्लत पड़ी हुई है, यही कहना चाहती हूँ मैं। धन्यवाद। यहाँ से जो विधायक है मंत्री है दिल्ली सरकार में सत्येंद्र जैन आते हैं यहाँ पर? कौन है दिल्ली सरकार के सत्येंद्र जैन, मेरे को तो पता ही नहीं है, आज तक मैंने उनको देखा नहीं है यहाँ पे आते हुए, कभी हमारे बीच में आए हैं यहाँ पे देखने के लिए? मैंने सिर्फ तस्वीरों में उन्हें देखा है कि बड़े बड़े तस्वीरों में वो छपे पड़े रहते हैं, बहुत बड़े बड़े काम अपना दिखाते हैं यहाँ पे आके कि हमने ये काम करा हमने वो काम करा, हमारी पहुँच आगे तक नहीं है तो इसका मतलब हम आगे बोल नहीं पाते हैं, उनकी पहुँच आगे तक है तो वो अपनी चीजों को रख देते हैं कि हम झुग्गियों के लिए हम ये कर रहे हैं, हमारे लिए बताओ हम ऐसे झुग्गी में रह रहे हैं, हमारे लिए ये भी नहीं है कि हम ईंटे से लगाकर थोड़ा सा घर बना सके, तिरपालों में हम रह रहे हैं, यहाँ पे मीटर तक नहीं लगा हुआ है, कहते हैं कि मीटर हम फ्री 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं आप मुझे बताइए। इलेक्शन के समय जब वो आते हैं, वो लोग सत्येंद्र जैन आते हैं, उनके चेले चपाटे आते हैं और नाटक नुक्कड़ नाटक ऐसी चीजें बहुत सारी चीजें करते हैं कि हम दिखाए अपने कैसे हमने विकसित करा है केजरीवाल की चीजों को लेकर, क्या करा है कहीं तक भी उन्होंने क्या कहते हैं ना लाइट ना पानी कुछ भी नहीं, एक टैंकर दे दिया 2 दिन टैंकर नहीं आता है तो यहाँ पे ऐसी किल्लत हो जाती है कि बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं, क्या कर रही है दिल्ली सरकार मुझे तो समझ नहीं आ रही सत्येंद्र जैन कौन है। आधी झुग्गी मीटर लगा दी।